सलमान खान को काला हिरण मामले में धमकियां मिल रही हैं। अनूप जलोटा ने कहा कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए और आसपास के लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। अनुपम खेर ने अपने खुद के बच्चे न होने पर हाल ही में बात की। उन्होंने कहा कि पिछले 7 से 8 सालों में कभी कभी इस कमी का एहसास होता है। एक्सप्रेसो के चौथे सीजन में काजोल और कृति सेनन अपनी नई फिल्म और पर्सनल लाइफ पर चर्चा करेंगी, जो ताजमहल होटल में आयोजित होगा। साउथ एक्टर अल्लू अर्जुन की मोस्ट अवेटेड फिल्म पुष्पा 2 फीट 6 दिसंबर को रिलीज होगी। श्रद्धा कपूर की एंट्री की चर्चा हो रही है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा और लिजेल ने धोखाधड़ी के आरोपों पर चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि वे सही समय पर अपना मामला आगे बढ़ाएंगे। गौरव तनेजा ने करवा चौथ का वीडियो शेयर कर तलाक की अफवाहों पर विराम लगाया। फैंस ने इसे पब्लिसिटी स्टंट बताया, जबकि गौरव ने YouTube पर स्थिति स्पष्ट की। बीते दिन करवा चौथ पर ज्योति सिंह ने पति पवन सिंह की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखा और सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं दी। फैंस कपल की पुनर्मिलन की कामना कर रहे हैं। दर्शकों के बीच हॉरर फिल्में लोकप्रिय हो रही हैं। यहां 5 ऐसी फिल्में हैं जिन्हें आप OTT प्लेटफॉर्म पर फ्री में देख सकते हैं। कन्नड़ सुपरस्टार किच्चा सुदीप अपनी मां सरोजा के निधन के बाद बुरी तरह टूट गए हैं। अंतिम संस्कार में उनकी भावनाएं दिखी और पूर्व मुख्यमंत्री बोम्मई ने तस्वीरें साझा की। सोनाक्षी सिन्हा ने पति जहीर इकबाल के साथ करवा चौथ का व्रत मनाया। उनका मस्ती भरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अक्टूबर में OTT पर काजोल की 2 पत्ती द लीजेंड ऑफ हनुमान सीजन 5 फीट और हेलबाउंड सीजन 2 फीट रिलीज होने वाली है। बॉलीवुड गलियारे में करवा चौथ की धूम देखने को मिली। कई टीवी एक्ट्रेसेस ने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा और रोमांटिक फोटोज शेयर की।